यह खबर है 65 वर्षीय बुजुर्ग सज्जन अग्रवाल के प्रेरणादायक प्रयासों के बारे में, जिन्होंने उड़ीसा के कटक शहर में एक निशुल्क दंत चिकित्सा क्लिनिक स्थापित किया है। इस क्लिनिक का उद्देश्य है गरीब और जरूरतमंद लोगों को दंत चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराना, जो आमतौर पर महंगे इलाज के कारण नहीं करवा पाते। इस क्लिनिक का उद्देश्य लोगों को दांतों की समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। सज्जन अग्रवाल ने 2023 में यह डेंटल क्लिनिक स्थापित किया और अब तक 500 से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज दिया है। इस क्लिनिक का संचालन केवल 50 रुपए की नॉमिनल शुल्क पर होता है और बाकी सारी सेवाएं निशुल्क होती हैं। यह प्रयास न केवल मरीजों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहा है, बल्कि समाज में एक सकारात्मक संदेश भी फैला रहा है कि कैसे एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत और इच्छा शक्ति से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। इस तरह की पहल देश और समाज के लिए प्रेरणा है, जिससे अन्य लोग भी आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। हालांकि यह क्लिनिक सप्ताह में अभी केवल 2 दिन ही खुलता है, लेकिन इसका उद्देश्य भविष्य में हफ्ते में 6 दिन चलना है। सुनिंदु परसदर माची भाई भी अच्छा तो मते कॉल आसला आउ जने भाई को थ्रोरु आनंद बाबू को थ्रोरु कि हमें एमती गोटे काम कर देखा कर देखा करिए भल कम सब आगे अच्छे तो सज्जन बाबू मत कहले आम गोटे दंत चिकित्सालय करवा फ्री ऑफ कॉस्ट कहले भी चले चैरिटेबल समस्त आखि तो देखुं अन्न्य रोग देखुं दात कहीं देखुना करवा। मेरा विचार कुछ अच्छा काम करने का था और समाज में जो कटक में काम हो रहा उसे हटके करने का था। मेरे को ये विश्वास नहीं था कि दांत का चिकित्सा खोलेंगे, ऐसा ही कुछ खोलने का इच्छा था। सबसे डिस्कशन करने के बाद ये मालूम पड़ा कि दांत का एरिया जो है कटक में पूरा ड्राई है, यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था कुछ नहीं हो रही है। तो मैंने इसको फिर सोचा और इसके साथ एक साल तक परिश्रम करके सब जगह से डाटा वगैरह कलेक्शन करके मशीन वगैरह सब जुगाड़ करके डॉक्टर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करके 24/10/2023 को हम लोगों ने विजय दशमी के उपलक्ष्य में इसको शुभारम्भ किए थे और आज का एक साल पूर्ति हो गया है और कम से कम 470 पेशेंट को हम लोग इसमें ट्रीटमेंट कर चुके हैं और एक एक पेशेंट 5-5 बार 10-10 बार आकर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, 2-2 घंटा बैठ कर ट्रीटमेंट कराते हैं। ये हमारे कार्य की मैं सफलता सोचता हूँ। सत्य जी, जैसे आपने जिक्र किया कि आपका खर्चा होना था 1 लाख रुपया बाहर में, यहाँ पे बहुत कम पैसा हो गया, आपको फिर इकोनॉमिक फाइनेंस में भी इतना जूझना नहीं पड़ा। सही बात है। एक्चुअल में हम यदि प्राइवेट में जाते तो हो सकता आज मैं सोचता हूँ कि शायद मैं प्राइवेट में जाता ही नहीं। फिर यहाँ पर जब मैं आया तो यहाँ पर इतने कम पैसे में जब खर्चा हुआ, यहाँ पर कि 75% मेरे को रिड्यूस होकर के जब पूरा टोटल खर्चा हुआ तो मेरे को अच्छा लगा कि चलो मैंने अपना इलाज यहाँ पर करवा लिया। तो यहाँ पर मेरे को ये अनुभव होता है जो आदमी पैसा के बारे में भी कहीं पर प्राइवेट में जा नहीं सकता है तो उसके लिए संस्था है करीबन, वो अपना इलाज और अपना दांत का मान चीज़ तो ठीक कर सकता है। ये एक अनोखा है जिसमें पैसा नहीं लेते हैं और 50 रुपया लेके बहुत सारे चीज़ करते हैं, कैसे आपको लगता है ये? नहीं, ये बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत आदमी हैं दांत को लेकर के उनका मन में ये रहता है कि इतना कॉस्टली है तो वो कहीं पर जाते भी नहीं है और जब एक्चुअल में ऐसा एक संस्था मालूम पड़ता है कि जहाँ पर 50 रुपये रजिस्ट्रेशन में और कम में आ जाता है तो उसको ये लगता है कि दांत का और क्या इलाज हो सकता है, तो वो वहाँ पर आकर के वहाँ के प्रति आकर्षित होता है और उसके अंदर में फिर अपना जो समस्या होता है वो दांत का वो अपने को वहाँ पर क्लियर कर लेता है। आप क्या सेटिस्फाइड हैं पूरा? हम बहुत सेटिस्फाइड हैं, बहुत अच्छा लगता है।